दो बाटी चावल, इसको धो ले अच्छे से, वॉश कर ले। वॉश करने के बाद इसमें दो बाटी चावल लेने के बाद चार बाटी पानी लेना, इसे भूलना मत। हाँ, चार बाटी पानी, दो बाटी चावल चार बाटी पानी। पानी लेने के बाद हमें अपने कुकर को अच्छे से गरम कर लेना है। कुकर को अच्छे से गरम करने के बाद दो चम्मच घी डालने के बाद हमारा जो अखा मसाला है, जो अखे मसाले हैं हमारे, वो डालना है। अखे मसाले डालने के बाद अखा मसाला अच्छे से 2 सेकेंड तक उसे फ्राई कर ले। 2 सेकेंड फ्राई करने के बाद हमारा जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स डाल दें, आलू, कांदा, गोभी, गाजर और चीज़ें भी आप डाल सकते हैं इसमें, बट हमें यही पसंद है कि हम यही डालते हैं। कांदा अच्छे से 2 सेकेंड तक फ्राई करने के बाद सारी सब्जियां हमें डाल देनी है इसमें। सारी सब्जियां डालने के बाद सारी सब्जियां हो जाए तो सारी सब्जियां हमें कम से कम 2 सेकेंड तक अच्छे से फ्राई कर लेनी है। 2 सेकेंड ज़्यादा नहीं है। सब्जी फ्राई करने के बाद हमने 1/2 किलो मटर, ये 1/2 किलो मटर मैंने छीला है, 100 ग्राम इसमें निकला है, ये मटर इसमें डाल देना है। मटर भूलिए मत, प्लीज डालिए मटर, बहुत अच्छा है डालना। फिर इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला डाल के 5 मिनट तक इसको, मसाले को अच्छे से भून लीजिए। भूनने के बाद ये चावल हमारा रेडी है, जो हमने डाला था 4 कप पानी 2 कप चावल, ये अच्छे से हो जाए। इसे पहले हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर हमें इसमें नमक डालना है, नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद हमें 1 चम्मच घी, देसी घी डाल देना है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। ये डालने के बाद हमें सीटी लगा देनी है, एक ही सीटी है और एक से ज़्यादा नहीं, ये हमारा